सागर भैया आई एम सॉरी भाभी इट्स ऑल राइट बोलिए ना नथिंग रोहित आपको बुला रहे थे बट इट्स ओके मैं उनको कह दूंगी कि आप बिजी हैं ओके भाभी अरे भाभी मैं कोई बिजी बिजी नहीं हूँ मैं भाई से मिल लेता ये क्या है भाभी जी ये मैंने ना मम्मी जी के लिए सॉरी कार्ड बनाया कैसा है अच्छा है काफी क्रिएटिव कार्ड बनाया है हाँ पर सागर जी कह रहे कि मम्मी जी को पसंद नहीं आएगा ओ अगर सागर भैया ने कहा है कि मॉम को पसंद नहीं आएगा तो शायद नहीं आएगा पर कोई बात नहीं तुम मार्केट जाकर नया कार्ड ले आओ ना हाँ भाभी सागर जी भी यही कह रहे थे आप तो मुझसे पहले से जानती है ना मम्मी जी को तो आप बताइए ना मैं जो कर रही हूँ वो सब सही तो कर रही हूँ ना मतलब मम्मी जी को ये सब पसंद तो आएगा ना नहीं मम्मी जी को बिल्कुल पसंद आएगा देखो भले ही मैं इस घर में तुमसे पहले आई हूँ पर आज तुमने मुझे ये सिखाया है कि अगर मॉम कभी मुझसे नाराज हो जाए तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ थैंक यू भाभी पर भाभी मैं ये कार्ड उन्हें कैसे दू सिंपल उनके रूम में रख दो वो जैसे ही रूम में एंटर करे कि उनको कार्ड सामने ही दिखे अगर मुझे कोई ऐसी सरप्राइज देता तो मैं तो सब कुछ भूल के अपनी बहू को तुरंत ही गले लगा लेती और शायद मॉम भी ऐसा ही करे सच्ची अरे वाह भाभी आपने तो मुझे खुद से प्यार कर दिया थैंक यू हां इट्स ओके ओ, तो ये बात है हमारे सागर को मही से प्यार हो गया और मही के पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से तुरंत शादी करनी पड़ी सच कहूं तो भैया मैंने मॉम को बताने के लिए फोन किया था पर मॉम शायद बिजी थे उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे फोन कर लेता भैया मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था फोन करना तो दूर की बात है इवन मॉम मेरा मिस कॉल देखकर मुझे कॉल बैक करें उसके लिए भी वेट करना पॉसिबल नहीं था या सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना वहाँ इसका मतलब तूने डैड को भी कॉल नहीं किया होगा नहीं नहीं डैड को फोन किया ना लेकिन वो जर्मनी में वर्ल्ड बैंक का सेमिनार चल रहा है ना शायद डैड वहाँ बिजी है उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया ओके अच्छा ये वहीं के पिताजी करते क्या वो गाँव में अम्बे माँ का मंदिर है वहाँ की पुजारी है और वही मतलब कहां तक पढ़ाई की है उसने राजू अरे उसे तो आदत है हारने की चलता है हाँ सागर जी हमें तो आदत है आपको पता है दसवीं में मैं चार बार फेल हो चुका हूँ पर नो टेंशन मेरा मानना है कि हारे हुए लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जैसे मही हाँ अरे मैं तो दसवीं में चार ही बार फेल हुआ ये मही तो दसवीं में पांच बार फेल हो चुकी है कहाँ खो गए आप सॉरी आपने बताया नहीं कि मही कहाँ तक पढ़ी है उसने लाइफोलॉजी में पीएचडी किया है मतलब ये कि जिंदगी को कभी भी ज्यादा सीरियसली मत लो अगर हमें दो लाइफ मिली होती तो एक लाइफ सीरियसली और एक मौज मस्ती में जी लेते मगर हमारे पास तो एक ही लाइफ है तो मस्ती में जी लो यार ये मही का फंडा है भैया मैं पूरा देश घुमाऊं पर मही जैसा जिंदा दिल इंसान मैंने कहीं नहीं देखा उसने मुझे सिखाया कि जिस तरह हम सारे टेंशन भूलकर एक छोटे बच्चे के साथ खेलने लगते हैं उसी तरह हमें अपनी लाइफ के साथ भी खेलना चाहिए
और ये बात मैं अपने प्रोजेक्ट मेरे देश की धड़कन में भी मेंशन करने वाला हूँ। ओह। अगर मही मेरी जिंदगी में ना आती ना तो जिंदगी का एक ऐसा दूसरा पहलू भी होता है उसके बारे में जान ही नहीं पाता। दिमाग खुला रख के और दिल पे ताला लगा के ऐसे ही जी लेता। पर मही ने मेरे दिल का ताला खोला जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ सांसें लेना ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो उससे भी बढ़कर है। और बस यही लाइफोलॉजी है।